أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Students, hope you are fine and doing well. Today our topic is holistic medicine and its principles. It's the continuation of our previous topic, which is health. So we start to discuss our topic, which is about holistic medicine. Holistic medicine is a form of healing that considers the whole person, body, mind, spirit, and emotions in the quest for optimal health and wellness. According to holistic medicine philosophy, one can achieve optimal health, the primary goal of holistic medicine practice, by gaining proper balance in life. अगर हम होलिस्टिक मेडिसिन की बात करते हैं तो जो होलिस्टिक मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, जो इसको डील करते हैं, वो एक इंडिविजुअल को, एक पेशेंट को एज अ होल पर्सन लेते हैं. वो कहते हैं कि जो आपकी बॉडी है, आपका जो माइंड है, जो आपकी स्पिरिट है और जो आपकी इमोशंस हैं, अगर ये प्रॉपरली हेल्दी हैं और इनका जो एक आपस में एक बैलेंस बनता है, अगर वो बैलेंस है तो ही आप फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप हेल्दी पर्सन हैं. क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा मेन गोल ही जो एक पेशेंट के हवाले से है, वो है ऑप्टिमल हेल्थ. और वो ऑप्टिमल हेल्थ उस वक्त अचीव होगी जब आपकी लाइफ में पूरा का पूरा बैलेंस होगा. होलिस्टिक मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका जो बिलीफ है, वो कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, एंड इफ़ वन पार्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ऑल द अदर पार्ट्स विल बी अफेक्टेड. जिस तरह से हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम को देखते हैं, कि जिस तरह वो कहते हैं कि सोसाइटी इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पार्ट्स, और अगर उन पार्ट्स के अंदर एक स्टेबिलिटी है तो सोसाइटी के अंदर भी स्टेबिलिटी और सॉलिडेरिटी आएगी. तो इट मींस कि ये लोग भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम को देखते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं. एक पार्ट भी अफेक्टेड होगा तो आपकी बॉडी अफेक्टेड होगी और आपकी बॉडी में बैलेंस नहीं आ पाएगा, आप एक हेल्दी पर्सन नहीं बन सकते. इसकी जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. होलिस्टिक डॉक्टर में यूज़ ऑल फॉर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, फ्रॉम कन्वेंशनल मेडिकेशन टू अल्टरनेटिव थेरेपीज टू ट्रीट अ पेशेंट. मतलब वो आपको मेडिसिन से लेके मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज भी वो दे सकते हैं. जैसा कि वो कहते हैं कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन हेडेक्स, पे अ विजिट टू अ होलिस्टिक डॉक्टर. Instead of walking out slowly with medications, the doctor will likely to take a look at all the potential factors that may be causing the person's headache. आप सिंपली, आपको हेडेक हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, तो उसमें आप अगर एक होलिस्टिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिंपल आपको मेडिकेशन नहीं देता, बल्कि वो आपकी ट्रीटमेंट करता है, मुकम्मल आपकी हिस्ट्री लेता है. और हो सकता है कि वो आपको अगर जो हेडेक की जो पेन किलर है वो आपको मेडिसिन ना दे, बल्कि वो आपको कहे कि आप अपना डाइट और स्लीप हैबिट्स चेंज करें, आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ओवरकम करने की कोशिश करें. और आपको स्पिरिचुअली भी वो लोग प्रैक्टिस करवाते हैं कि अगर आप नमाज पढ़ें, या आप कोई ना कोई कोई तस्बीह पढ़ें, या आप मंदिर जाएँ, आप मस्जिद जाएँ, आप चर्च जाएँ. मीन्स कि वो आप कि लाइफ में जितने भी पार्ट्स हैं, वो सोशल हैं, वो फिज़िकल हैं, वो इमोशनल हैं, उन सारी चीज़ों को वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलर, एंड अ पर्सन इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ एंड वेल बींग. अब होलिस्टिक मेडिसिन में आप ये देखें कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपकी बात तसल्ली से सुनता है, और आप उसको अपना जो भी आपका मर्ज है, जो भी आपको पेन है, जो भी आपको इशू है, आप उसको सुनाते हैं, वो तसल्ली से आपकी बात सुन के हंसते हुए वो आपको कह दे
कि आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ये बेसिकली होलिस्टिक मेडिसिन का फर्स्ट रूल है। आप वहीं पे ही ठीक हो जाते हैं, आपकी परसेप्शन उस डॉक्टर के लिए अच्छी बन जाती है। अब देखें वो उनके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, ऑल पीपल हैव इननेट हीलिंग पावर्स, उसमें वो ये कहते हैं कि हर इंसान की अपनी एक नेचुरल हीलिंग पावर है, वो बाय नेचर उसको कुछ ना कुछ एक प्रोसेस है, उसको पावर्स मिलती हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल की अपनी पावर्स हैं उस पेन को, उस हेडेक को डील करने की। तो हर इंडिविजुअल को आप डिफरेंट तरीके से डील करें। द पेशेंट इज़ अ पर्सन नॉट अ डिजीज़, वो जो ह्यूमन बीइंग है वो एक जो पेशेंट है वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई डिजीज़ नहीं है। अगर आप उसको अनकंडीशनल लव, सेल्फ केयर और अफेक्शन देंगे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। हीलिंग टेक्स अ टीम अप्रोच इन्वॉल्विंग द पेशेंट एंड डॉक्टर एंड एड्रेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन लाइफ यूजिंग अ वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। इट मींस कि ये एक टीम अप्रोच है। अगर आप डॉक्टर को अपनी ठीक हिस्ट्री नहीं बताएंगे और या डॉक्टर आपकी ठीक तरीके से हिस्ट्री नहीं लेता, इट मींस कि कहीं ना कहीं पे कोई गैप आ जाएगा। जब वो गैप आ जाएगा तो उस तरीके से आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इट मींस कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है जिसकी बेस पे डॉक्टर और पेशेंट का आपस में एक रिलेशनशिप बनता है। ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व फिक्सिंग द कॉज ऑफ द कंडीशन, नॉट जस्ट एलिवेटिंग द सिम्टम्स। कि आपने उन सिम्टम्स को नहीं देखना बल्कि जो कॉज ऑफ कंडीशन है, जो उसकी बेसिक पीछे से जिसकी बेस पे उस बंदे को हेडेक है या उस बंदे को माइग्रेन है, आपने उन कंडीशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सिंपल उसको आपने मेडिसिन दे के बस उस वक्त उसका पेन, उसको रिलीफ मिला तो आपने उसको फारिग कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें होलिस्टिक मेडिसिन, इसमें टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स यूज अ वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स टेक्निक्स टू हेल्प देयर पेशेंट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन वेल बीइंग एंड द अचीव द ऑप्टिमल हेल्थ। डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिशनर्स ट्रेनिंग दीज मे इंक्लूड, उसमें वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। जो आपके एक होलिस्टिक डॉक्टर होता है वो देखता है कि किस तरह से आपका अगर लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है उस पेशेंट की, उस पेशेंट की एजुकेशन किस तरह से है, एंड सेल्फ केयर टू प्रमोट द वेलनेस। दिस मे इंक्लूड द डाइट, एक्सरसाइज, फिजियोथेरापी, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड मोर कम्प्लीमेंट्री। अगर उसको ज़रूरत है, अगर तो उसका काम डाइट से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरापी से या उसकी स्पिरिचुअल काउंसलिंग से अगर तो उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो उसके अलावा भी डिफरेंट किस्म की थेरापीज हैं, लाइक एक्यूपंक्चर है, चीरो प्रैक्टिस केयर है, होम्योपैथी है, मसाज थेरापी है, नेट्रोथेरापी है एंड अदर वेस्टर्न मेडिकेशंस एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। अगर इन चीज़ों से भी अगर उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें उसकी सर्जिकल प्रोसीजर है या वेस्टर्न मेडिकेशंस हैं, तो वक्त आने पे, ज़रूरत आने पे उसको वो भी दी जा सकती हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी यही होती है, जिस तरह आजकल DPT के लोग हैं, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी, बेसिकली वो एक आपको होलिस्टिक मेडिसिन या होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स हैं ये लोग। ये आप लोग को सबसे पहले पेन किलर या उस तरह की चीज़ें नहीं बताते, बल्कि वो आपको डाइट का बताते हैं, एक्सरसाइज का बताते हैं, फिजियोथेरापी करते हैं और इस तरह से आपकी मुख्तलिफ किस्म की स्पिरिचुअल काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से भी ठीक नहीं होता तो फिर आपको आगे वो नेट्रोथेरापी या सर्जिकल प्रोसीजर या वेस्टर्न मेडिकेशन की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो ये था होलिस्टिक मेडिसिन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये MBBS के स्टूडेंट्स हो गए, DPT के स्टूडेंट्स हो गए, अलाइड हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स हो गए या हमारे जितने भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उसमें हेल्थ का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स के हवाले से भी, इंटरव्यूज़ के हवाले से भी, इंशाल्लाह ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकूं और अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।